धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज एलजी साहब के अभिभाषण पर बोलने का आदेश दिया है, मौका दिया है, लेकिन अध्यक्ष जी मैं कैसे उस व्यक्ति का धन्यवाद करूं जो ईर्ष्या की भावना से अपने पद का उपयोग करता हो या अपने पद का दुरुपयोग करता हो। अध्यक्ष जी मैं कैसे उस व्यक्ति का धन्यवाद पेश करूं जिसकी मानसिकता महिला विरोधी हो, और सिर्फ मानसिकता महिला विरोधी है इतना नहीं है, उस मानसिकता का महिला विरोधी होना और उसका प्रदर्शन एक प्रसिद्ध समाज सेविका, प्रसिद्ध आंदोलनकारी महिला मेधा पाटेकर जी के ऊपर हमला करवाकर, गुंडों से उसको धमकवाकर जबरन आंदोलन खत्म कराने का प्रयास करना, जो व्यक्ति अपनी इस मानसिकता का प्रदर्शन करता हो, मैं कैसे एक देश की बेटी होने के नाते उस व्यक्ति का धन्यवाद प्रस्ताव पेश करूं। अध्यक्ष जी मैं कैसे उस व्यक्ति का धन्यवाद पेश करूं जो अपने पद का दुरुपयोग कर अपने पद के नशे में रहकर नोटबंदी के दौरान लाखों करोड़ों रुपए की हेरा फेरा फेरी करने में आरोपित हो। अध्यक्ष जी मैं कैसे उस व्यक्ति का धन्यवाद पेश करूं जो अपने सत्ता के नशे में चुनी हुई सरकार के साथ साथ अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से भी आगे मानता हो और कोर्ट में जाकर ये कहता हो कि जिस पद पर मैं विराजमान हूं मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं चल सकता। ऐसे सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति का मैं कैसे धन्यवाद करूं अध्यक्ष जी जो देश के दिल दिल्ली की 3 बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार के कामों को नित नए दिन प्रयास लगाकर रोकने का काम करता हो, जिसका सिर्फ मात्र एक लक्ष्य है एक पपेट की तरह काम करना, अपने आकाओं के आदेश पर नाचने का काम करना। अध्यक्ष जी मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रही कि इस व्यक्ति ने दिल्ली की लोकप्रिय सरकार के कामों को अड़ंगा डालकर रोकने का प्रयास किया है, बल्कि एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त मेरे पास है। दिल्ली देश की राजधानी समेत भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्था देगी, उनके खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके अच्छे वातावरण का निर्माण करेगी। दिल्ली की सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को रोकने का प्रयास करा, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर अंधभक्त ना बने बल्कि देश का बेहतर भविष्य बने, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम करे, और उसमें से एक योजना थी कि नेताओं को विदेश जाकर ट्रेनिंग नहीं करनी, दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को जो है वहां पर ट्रेनिंग करनी है विदेशों में, उसकी फाइल को रोक दिया। देश स्वस्थ रहे, देश के लोग स्वस्थ रहे, दिल्ली के लोग स्वस्थ रहे, केजरीवाल सरकार ने योगा क्लासेस पार्कों में, गली कूचों में, घर के पास जो है खोलने का प्रयास किया, उस योगशाला को बंद कराने का काम किया। गरीब व्यक्ति जिनकी आधे से ज्यादा कमाई प्राइवेट अस्पतालों में जाए उसको रोकने का काम दिल्ली सरकार ने किया मोहल्ला क्लिनिक खोलकर, लेकिन उन्हीं मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का काम एलजी महोदय के माध्यम से किया। डॉक्टरों का वेतन रोका, दिल्ली की दिवाली रोकी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ये बहुत शानदार योजना दिल्ली सरकार की ओर से लाई गई थी, लेकिन उस पर भी रोक इसलिए लगाई क्योंकि उनके आकाओं ने उन्हें आदेश दिया हुआ था। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा रोकी, बिजली की जांच शुरू करा दी, स्कूलों के पुनर्निर्माण की जांच कराई, ना जाने कितने काम इन्होंने रोके।
लेकिन अध्यक्ष जी वो कहते हैं ना कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। ये हिम्मत बढ़ाई अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता ने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार दिल्ली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, उनकी जो उनकी नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर प्रचंड बहुमत की सरकार दी। और इन भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो एक पपेट के तौर पर काम करते हैं, उनकी हरकतों से दुखी होकर इस बार एमसीडी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम दिल्ली के लोगों ने किया। लेकिन उसके उलट इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिल्ली सरकार के बजट को रोकने का काम किया इस बार। तभी मैंने कहा कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, और जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। इन्होंने हमारे बजट को रोकने की कोशिश करी, लेकिन हमारी हिम्मत को ये रोक नहीं सकते। और इतना शानदार बजट दो दिन रोक कर ये क्या बन गए, हम लोगों ने इतना शानदार बजट पेश करा कि दिल्ली को हरा भरा और पॉल्यूशन मुक्त बनाने का काम करेंगे। बहरहाल अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एलजी अभिभाषण पर धन्यवाद पेश करने का आदेश दिया है, और आपके आदेश को इस सदन में ना मानना तो सदन की अवहेलना होगी। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं दो पंक्तियां कहकर अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं कमाई जाती है, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं कमाई जाती है, इसे ईमानदारी और मेहनत के साथ कमाना पड़ता है, जो कर दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में। तभी तो जो व्यक्ति आए दिन अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर रोक लगाने का प्रयास करता हो, सरकार के कामों को रोकने का काम करता हो, जिम्मेदार अधिकारियों का ट्रांसफर और उनको जो है डर का माहौल उनके अंदर पैदा करने के लिए उनका सस्पेंशन करने का काम करता हो, आज उसको भी इस मंदिर में सदन के इस पटल पर आकर इस सरकार की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने पिछले 8 सालों में बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ दिल्ली की जनता के अंदर अपने प्रति जो है प्यार को कमाया है, और ईमानदारी से जनता की हर जरूरत को, हर सपने को पूरा करने का काम किया है। एलजी साहब ने अपने अभिभाषण के दौरान, चाहे वो हमारा इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय और उसमें भविष्य की संभावनाओं से प्रेरित छात्राओं के परामर्श कार्य की जो है तारीफ करना हो, चाहे हमारी वृद्धा सहायता योजना के तहत 4 लाख से अधिक लाभार्थी जो पेंशन का उपयोग कर रहे हैं उसका फायदा पहुंचाना हो, SC ST वर्ग में अभी एक मेरे साथी कह रहे थे कि दलितों के लिए कुछ नहीं करा, दलितों के लिए कुछ नहीं करा। भाई साहब, आंख कान खोलकर सुनिए और देखिए, सिर्फ दलितों को 5 किलो गेहूं और चावल देने से दलितों का उत्थान नहीं हो सकता। दलितों के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा को अच्छा किया है, शिक्षा को इतना सुलभ किया है, इतना आसान किया है कि आज दलितों के बच्चे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अपने देश का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि कोई दलित है तो उसको जमीन पर खाना खाने के लिए मजबूर कर दे और उनकी वोटों के लिए लायलिकता और सिर्फ वोटों के लिए उनको उकसाने का काम करे। अब कंक्लूड करिए अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ एक बात जरूर कहूंगा अध्यक्ष जी, 2 मिनट सिर्फ नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट से बिल्कुल एक शब्द ज्यादा नहीं अध्यक्ष जी। आज सुबह जब मैं सदन में आ रही थी तो मैं एक रेडियो पर कार्यक्रम सुन रही थी कि दिल्ली का बजट पेश हुआ, दिल्ली की जनता बड़ी खुश है, लेकिन उसके उलट एंकर ने जनता से पूछा कि अगर आप एक शब्द में अपनी सरकार से कोई मांग करते हैं तो आप क्या अपनी सरकार से उस बजट में मांगेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार रैंडमली 10 लोगों ने बोला कि हम सेफ दिल्ली चाहते हैं, महिलाओं ने बोला कि हम सुरक्षित माहौल चाहते हैं, तो मैं LG महोदय को आपके माध्यम से और गृह मंत्रालय में बैठे हुए उस तड़ी पार और जो है वो व्यक्ति
जो प्रधान सेवक कहता है अपने आप को, उन सबको ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली की बेटी होने के नाते, एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जिम्मेदार इस विधानसभा की विधायक सदस्य होने के नाते, उस प्रधान सेवक को और उस गृह मंत्री को जो कि खुद अनपढ़ अनभिज्ञ है, तड़ीपार है और एक पपेट रूपी एलजी, ये पपेट रूपी एलजी, ये पपेट रूपी एलजी, ये पपेट रूपी एलजी, ये पपेट रूपी एलजी, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोक कर आपको कुछ नहीं मिलने वाले, आपको कुछ नहीं मिलना। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए बैठिए। रेप कैपिटल जो दिल्ली बन चुकी है, जो दिल्ली रेप कैपिटल राखी जी, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, को रोकते हुए आप इसको सेफ कैपिटल बनाइए, दिल्ली देश की राजधानी जो आज रेप कैपिटल है, उसको गृह मंत्री मंत्रालय को, मैं गृह मंत्री इस देश को कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चौक चौराहे गली मोहल्ले पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, बसों के अंदर मार्शल नियुक्त करे हैं, बसों के अंदर पैनिक बटन लगाए हैं, ऐसे ही आप दिल्ली पुलिस को आदेश दे और हमारी इस देश की बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराए। ये पीड़ा समझ आती है जब आप एक बेटी की आवाज को चुप कराने के लिए आठों के आठों लोग खड़े होते हैं। शर्म आनी चाहिए, महिला विरोधी हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए, दलित विरोधी हो तुम, शर्म आनी चाहिए। एक बेटी जो इस सदन में खड़े होकर, एक बेटी जो इस सदन में खड़े होकर अपनी दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है, तुम उसे बोलने नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।